सरकार धीरे धीरे हर चीज की दुकानें को खोलने की योजना बना रही है, जैसे मॉल और सिनेमा हॉल के अलावा कई ऐसी चीज जो अभी बंद है उस पर भी विचार सरकार कर रही है। लेकिन आवश्यकता है सैनिटाइजर गेट की, जो काफी संख्या में जो लोग जाते हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान किया जा सके। और इसी उद्देश्य नवादा थाना अंतर्गत धोबी घटवा के पास एक सैनिटाइजर गेट की दुकान का उद्घाटन किया गया। इस दुकानदार ने बताया इस सैनिटाइजर गेट को लगने से यह भोजपुर की पहली इस प्रकार की दुकान है जहां पर सैनिटाइजर गेट लगाया जा सकता है। सरकार धीरे धीरे सभी दुकानों को खोलने का पर विचार कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसी दुकान है जिसे नहीं खोला गया है, जिसमें मॉल सिनेमा हॉल हो या अन्य विद्यालय, ऐसी चीजों को खोलने पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन मॉल या अन्य बहुत बड़ी चीजें जो सिनेमा हॉल ऐसी जगहों पर जो गेट को सैनिटाइजर करने की भी योजना है, ताकि एक भी नागरिक जब मॉल या सिनेमा हॉल में जाए तो सभी को सैनिटाइजर करके भेजा जाए। और ये सैनिटाइजर गेट का उद्घाटन धोबी घटवा के पास किया गया ताकि आम जनता को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। यह भोजपुर जिला का पहली दुकान है जहां पर आपको सैनिटाइजर गेट लगाया जाता है। सैनिटाइजर गेट लगाने से हर जगह अब काफी ही आसान हो जाएगा। हिंदुस्तान प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन के नाम से ये हम लोग यूनिट चला रहे हैं। पहले हम लोग आरओ प्लांट बनाते थे, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए हम लोग सैनिटाइजर गेट के बारे में सोचे कि कम से कम अपने आरा में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर गेट का निर्माण किया जाए। तो इससे क्या होगा कि कम से कम यहाँ पे कम से कम बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सके। जैसे कि मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र में जितना अभी कोरोना फैल रहा है, दिल्ली में फैल रहा है, तो कम से कम हम लोग उसको मेंटेन रखे रोके। और इसके थ्रू क्या होगा कि इसमें हम लोग ऑटोमेटिक मोशन सेंसर डाला हुआ है और सारा सिस्टम जो है 5 सेकंड तक ये आपका पूरे बॉडी में स्प्रे करें। और इसका पर मतलब लगाने के लिए आप हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, उसको ऑफिस में, मॉल में, मतलब हर जगह लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, कोई भी बॉडी पर कोई वायरस हो तो वो आपके वायरस को किल करता है और आपका संक्रमण फैलने का मतलब चांस घट जाता है। आपका जैसे कि इसके लिए आपका संक्रामक फैलने से रुकेगा। क्या नाम हुआ आपका?